अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इमराम किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी किचन में बनने जा रहा है बहुत ही यम्मी और यूनिक सा ड्रिंक। आई होप से पहले ये ड्रिंक नहीं देखा होगा, तो ये बहुत ही अच्छा एनर्जी वाला ड्रिंक है। जिन लोगों के खासतौर पर टांगों वगैरह में दर्द होती है, खून की कमी है, वो इस ड्रिंक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह 2 हफ्तों में ही बेहतरी महसूस होगी और आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। तो उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख लीजिए। 1 कप मैंने पानी ले लिया है यहाँ पे सिंपल, और 1 बड़ा सेब ले लिया था जिसको मैंने धो के तो इस तरह से कट कर लिया है। 1 अदद चुकंदर है और ये 2 अदद पालक के पत्ते हैं जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरह से कट कर लिया था। आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें फुल ऑफ आयरन हैं और इंशाल्लाह आपके खून की कमी पूरी हो जाएगी। आप इस ड्रिंक को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और यहाँ पे मैंने काला नमक ले लिया है 1/2 टीस्पून, यहाँ पे नमक ले लिया है सिंपल नमक जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ले ली है। और जब ड्रिंक रेडी हो जाएगा तो उसमें आप चाहें तो आप लेमन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लेमन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको जल्दी से रेडी करते हैं। देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को जग में डाल दिया था जिसमें है सेब, चुकंदर और 2 अदद पालक के पत्ते। 1 मग हमने वाटर का डाल दिया। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा, इतना लेना है कि आपके गले में ना लगे। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे काला नमक और 1/2 टीस्पून ही हम डालेंगे रेगुलर सॉल्ट, ठीक है। अगर कुछ लोगों को मीठा अच्छा लगता है जूस तो थोड़ा सा आप इसमें शुगर ऐड थोड़ी सी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो लोग डाइट पे हैं शुगर नहीं लेना चाहते तो इस तरह से भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा जूस रेडी हो चुका है और अब आप चाहें तो इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। अगर वैसे ही पीना चाहें तो वैसे भी पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ और ये देखिए एनर्जी बूस्टर ये ड्रिंक है और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा भी देगा। अब हम इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और फिर अपने खूबसूरत से ग्लासेस में इसको पोर कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस, क्योंकि मुझे लेमन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐड करूँगी। आप चाहे तो कर सकते हैं और अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये ड्रिंक आप अपने बड़ों को भी बना कर दे सकते हैं, बच्चों को जिनको टांगों की दर्द का मसला है, उन्हें शिकायत है टांगों की दर्द की, यहाँ पे सुस्त रहते हैं, तो ये एनर्जी बूस्टर ड्रिंक ज़रूर यूज़ करें और अपनी डेली लाइफ में इसको शामिल करें और इसे फ़ायदा उठाएँ। को मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको ये भी ज़ाया मत करें, इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसको भी निकाल, और फिर हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको ग्लासेस में पोर कर लेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, आप चाहें तो 1/2 लेमन ले लें या फिर फुल लेमन ले लें। मैं इसमें 1/2 लेमन ऐड करूँगी। जी तो हमारा एनर्जी बूस्टर ड्रिंक झटपट से रेडी हो गया है, बहुत ही कम और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना यम्मी और टेम्पटिंग हमारा ड्रिंक रेडी हो गया है। आप इसको डेली लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिएगा, अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें और इससे फ़ायदा उठाएं। देख सकते हैं कितना यम्मी ये लग रहा है, आप इसको जरूर इंजॉय कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।